टेलीविजन देखो कितना झूठ बोलता है। टेलीविजन में एक जाहिरात आता है कॉम्प्लॉन का, उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय, कहता है। फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। अब इसका मतलब समझो, आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय माने मैं कॉम्प्लॉन का लड़का हूं। फिर वो बेटी कह रही है मैं कॉम्प्लॉन की लड़की हूं। अभी तुमको मालूम है कॉम्प्लॉन क्या है? कॉम्प्लॉन है टिन का डिब्बा। अभी ये बताओ टिन के डिब्बा के लड़का लड़की हो सकते? ऐसा तुमने कभी देखा है दुनिया में? कहीं सुना है तुमने? तो ये टीवी में कहां से आ गया? झूठ है ना? तो झूठ देखना चाहिए तो टीवी देखना चाहिए? कौन कौन नहीं देखेगा, हाथ उठाओ जरा। हां शाबाश, बैठ जाओ। ये टीवी सिर्फ झूठ दिखाता है, झूठ के अलावा कुछ दिखाता नहीं। ऐसे मैं तुमको एक तीसरा उदाहरण देता हूं। टीवी में एक जाहिरात आता है, उसमें दिखाते हैं एक पेन है, उसका नाम है रोटोमैक। क्या कहते हैं लिखते लिखते? अरे वाह, ऐसा भी पेन आता है दुनिया में जिससे लिखते लिखते सब हो जाए? ऐसा पेन आता है दुनिया में? तो ये झूठ है कि नहीं? तो झूठ देखना चाहिए? ऐसे ही देखो टीवी पे जाहिरात आता है, उसमें दिखाते हैं फेयर एंड लवली। क्या कहता है? गोरेपन की क्रीम। अभी टीवी रोज कहता है फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अभी तक। ऐसा हो सकता है? फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो सकते हैं सब? तो फिर ये गलत है कि नहीं? तो गलत बात देखनी चाहिए? तो इसलिए टीवी देखना बंद करोगे? हां, इसलिए भी टीवी देखना बंद कि उससे भी बड़े बड़े झूठ दिखाता है ये टीवी। टीवी में क्या क्या झूठ दिखाते हैं? टीवी में एक जाहिरात आता है वो कॉलगेट का। कॉलगेट के जाहिरात में क्या दिखाते हैं? दो पति पत्नी साथ साथ चलते, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है। किससे? अपने पति से। क्या बोलती है? कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। उसकी सहेली कहती है सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनकी पत्नी कॉलगेट खरीद लाती है, अपने पति को कहती है कॉलगेट घसो। तो पति महोदय कॉलगेट घिसते हैं। कॉलगेट करने के बाद दिखाते हैं पति के नजदीक पत्नी आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बने। जानते हैं उसका मतलब क्या? इसका मतलब दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो बहुत दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब इससे बड़ा पागलपन है दुनिया में? भारतीय संस्कृति में कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता। ये टेलीविजन कहता है नहीं, कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ। इसलिए तुम जिसको टेलीविजन कहते हो उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। और कभी कभी ये इतना इडियोसिटी दिखाता है टेलीविजन। टेलीविजन में एक जाहिरात आता है चिकलेट्स की गोलियों का। अब उसमें क्या दिखाते हैं? एक लड़का है दिखने में बहुत ही गंदा, मोटा ताजी एकदम, शक्ल से बहुत ही बेवकूफ, वो चिकलेट्स की गोलियां लेके आता है और एक बहुत सुंदर सी लड़की को वो गोलियां दे देता है। उसके बाद लड़की उसके पीछे पीछे चल देती। इसका मतलब समझते हो? भारत की सुंदर लड़कियां इतनी फालतू हैं क्या जो चिकलेट्स की गोली पर किसी के भी पीछे चल रहे? तुमको मालूम है इससे बड़ा महिलाओं का कोई दूसरा अपमान नहीं है। ये रोज टेलीविजन हमारे देश में इसी तरह की उल्टी उल्टी बातें दिखाता। तो मैंने तुमको पहले कहा कि इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये सब झूठ दिखाता। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं राजीव भाई आपकी बात हमने मान ली, अभी हम टीवी में जाहिरात तो नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें चित्राहार तो आता है वो तो देखेंगे, या तो उसमें फिलिप्स टॉप टेन आता है वो तो देखेंगे, अभी कॉलगेट टॉप टेन आता है वो तो देखेंगे। अभी तुम बताओ ये देखो चित्राहार, फिलिप्स टॉप टेन,
कॉलगेट टॉप टेन, ये सब फालतू के कार्यक्रम। इसमें क्या आता है, कुछ गीत आते हैं, गाने आते हैं, और ऐसे घटिया घटिया गाने आते हैं, ऐसे रद्दी रद्दी फालतू के गाने आते हैं जो कभी देखने नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए उसमें गीत आता है चोली के पीछे क्या है, या ऐसे ही गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, या ऐसे ही एक फालतू का गीत आता है आती है क्या खंडाला। अभी तुम लोग मुझे यह बताओ कि ऐसे घटिया घटिया गीत, फालतू के गीत देखने चाहिए? और ये फालतू के गीत ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक एक से ऐसे ऐसे फालतू के गीत लिखते हैं हिंदुस्तान में और उनको सिनेमा में भर भर के दिखाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। और ये सब गंदे गंदे गीत, गंदे गंदे गाने देख देख कर हम लोग फिर उसी को गाते हैं, फिर उसी तरह का चरित्र हमारा धीरे धीरे बनता चला जाता है। तुमको मालूम है भगत सिंह कौन सा गीत गाता था? भगत सिंह गाता था मेरा रंग दे बसंती चोला। किस विद्यार्थी को यह गीत पूरा आता है? किसी को नहीं आता। और अभी मैं पूछूं आती है क्या खंडाला किसको आता है? देखो कितने हाथ उठा दिए। मेरा रंग दे बसंती चोला किसी को नहीं आता। जो आना चाहिए गीत वो नहीं आता, और जो नहीं आना चाहिए वो हम सब जानते हैं। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए मेरा तुमसे दूसरा भी निवेदन है कि ये फालतू के घटिया घटिया गीत देखने बंद करो। तुमको मैं एक बहुत मार्मिक बात पूछना चाहता हूं। मान लो तुम्हारी माताजी तुम्हारे साथ बैठी है और टेलीविजन पे गीत आता है चोली के पीछे क्या है, अपनी मां के साथ बैठकर ये गीत देख सकते हो? मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी बैठे और गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, देख सकते हो अपने पिताजी के साथ बैठकर? मान लो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ बैठी है और गीत आता है आती है क्या खंडाला, देख सकते हो? तो जो गीत हम हमारी मां के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारे पिताजी के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारी बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकते, वो गीत टीवी पे क्यों देखें? समझ में आया? इसलिए चित्रहार देखना बंद करोगे, फिलिप्स टॉप टेन बंद करोगे देखना। कौन कौन बंद करेगा हाथ उठाओ।